हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आधुनिक भारत से एक बड़ा ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने जो गेश बताया था जेपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसमें भी उस टॉपिक की मैंने चर्चा की थी कि ये मेरे गेश में शामिल है। हालांकि हम फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि जेपीएससी के एग्ज़ाम में जो लोग मेंस देने जा रहे हैं वो कोशिश ये करें कि एंशियंट और मेडिएवल से अपना आंसर करें, सेफ होने के लिए झारखंड देखें। लेकिन मैंने उस वीडियो में यह भी कहा था कि अगर इंडियन हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडिया से कुछ खास तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हाईली स्कोरिंग होगा। ठीक है, तो वो टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, मतलब कि देसी रियासतों का विलय, उनका एकीकरण। इस टॉपिक को ही आज हम लोग डील करने जा रहे हैं, इसी के विषय में हम लोग समझने और जानने का काम करते हैं। भारत जब आजाद हुआ तो भारत के आजादी के बाद देश का विभाजन भी हुआ। देश के विभाजन के साथ देसी रियासतों के अंतर्गत एक लंबा चौड़ा क्षेत्र था, और देसी रियासतों का जो एकीकरण था ये भारत के सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगर हम लोग उस दौर के भारत को याद करें तो भारत जब आजाद हुआ उस समय भारत में दो तरह की राजनीतिक इकाइयां विद्यमान थी, एक तो ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देसी रियासतें। तो एक था ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था देसी रियासतें। भारत में राजनीतिक इकाइयां इसी तरीके से बटी हुई थी। अब इसमें जो देसी रियासतें थीं वो पूरे भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 40% भाग पर थी, और छोटे बड़े लगभग 552 देसी रियासतें थी जिनको कि भारतीय संघ में मिलाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो 552 देसी रियासत और संपूर्ण भारत का लगभग 40% क्षेत्र पर इनका विस्तार, ये एक कठिन और जटिल समस्या थी। इस दौर में जो देसी रियासतें थीं उनको ब्रिटिश सर्वोच्चता के अंतर्गत कई प्रकार की सुविधाएं, कई प्रकार की स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इसी बीच जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन की घोषणा हुई थी, मतलब आजादी से पहले ही 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन प्लान की घोषणा हुई, तो आप लोगों को याद होगा कि इस घोषणा में ये बात कही गई थी कि जून 1948 के बजाय भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ माउंटबेटन के उस प्लान में ये भी स्पष्ट हो गया था कि देसी रियासतें भी आजाद हो जाएंगी भारत की आजादी के साथ, और देसी रियासतों को 3 ऑप्शन या 3 विकल्प प्राप्त होंगे। पहला, भारत में शामिल होने का, दूसरा पाकिस्तान में शामिल होने का, या फिर तीसरा विकल्प माउंटबेटन प्लान के तहत उनके लिए था अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखने का। तो देसी रियासतें आजाद हो जाती, ये माउंटबेटन प्लान से स्पष्ट हो चुका था। ऐसी स्थिति में भारत के आजादी के साथ ही 15 अगस्त 1947 तक भारत के 552 देसी रियासतों में से 549 ने स्वेच्छा से, या यूं कहें कि सरदार पटेल के कारण, भारत में अपना विलय स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो बच गए थे 3, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। ये 3 रियासतें थीं जो कि विलय से बच गई थी, और इनका विलय अब भारत में करने का एक महत्वपूर्ण कार्य बचा हुआ था, और यह जिम्मेदारी प्रदान की गई थी सरदार पटेल को। सरदार पटेल जो इंट्रीम गवर्नमेंट में, जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को ही, उसी इंट्रीम सरकार में बाद की तारीख में 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग बनाया गया, या यूं कहें कि नवगठित रियासत विभाग बनाया गया, और रियासत विभाग का चार्ज दिया गया, प्रभार दिया गया सरदार पटेल के ऊपर। सरदार पटेल के जो सहायक सचिव थे उनका नाम था वीपी कृष्ण मेनन। ठीक है,
इन लोगों के माध्यम से देश की जो मतलब जो देसी रियासतें थी उनका एकीकरण का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। सरदार पटेल ने देसी रियासतों की राष्ट्रीयता को ललकारा और उनसे कहा कि आप अपनी रक्षा, अपनी विदेश नीति या विदेशी मामले और संचार का भार हम लोगों पर, भारत सरकार पर सौंपे और भारत सरकार के साथ विलय को स्वीकार कर ले। जैसा कि मैंने बताया, सरदार पटेल के इस घोषणा के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद 549 देसी रियासतों ने भारत में शामिल होने के लिए अपनी सहमति जता दी, उनका भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। लेकिन जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये तीन रियासतें थीं जो बच गई। अब इनका एकीकरण करने का काम करना था, तो एक बार मैंने फिर से उसको ब्रीफ करने का काम किया। अब देखिए, हम लोग इन देसी रियासतों का किस तरीके से भारत में विलय किया गया, तो सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं जूनागढ़ को। जूनागढ़ जो था, जैसा कि आप मैप में देख भी रहे हैं कि सौराष्ट्र में एक छोटा सा रियासत था, और ये जो पूरा क्षेत्र है ये भारतीय भूभाग से घिरा हुआ था और इसका पाकिस्तान से किसी प्रकार का कोई भौगोलिक संबंध नजर नहीं आता है। आप देखिए यहां पर मैप में जूनागढ़ को। लेकिन यहां का जो शासक था उसका नाम भी मैंने लिख रखा है, नवाब महावत खान। इसने पाकिस्तान के साथ अपना विलय कर लिया। यहां पर जो अधिकांश जनता थी जूनागढ़ में, वो 80% के लगभग हिंदू थी, और यहां के लोग चाहते थे कि जूनागढ़ का भारत में विलय हो, और इस बात को लेकर के जब वहां के शासक ने पाकिस्तान के साथ अपना विलय स्वीकार किया तो वहां पर जन आंदोलन की स्थिति उभर करके सामने आई। ऐसी स्थिति में जूनागढ़ का नवाब महावत खां भाग करके पाकिस्तान चला गया। यहां पर जो दीवान थे, मैंने उनका भी नाम लिख रखा है, शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो मतलब कि जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे ये। शाहनवाज भुट्टो यहां पर जूनागढ़ में दीवान थे। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि आप यहां पर हस्तक्षेप करें। इसके बाद जूनागढ़ में भारतीय सेना का प्रवेश होता है और फिर फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। और चूंकि जनमत भारत में विलय के पक्ष में थी, लिहाजा जूनागढ़ का जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय कर दिया गया। तो जूनागढ़ का विलय अल्टीमेटली जनमत संग्रह के आधार पर हुआ, और इसमें शाहनवाज भुट्टो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो जूनागढ़ का विलय भी हो गया फरवरी 1948 में। अब हम लोग यहां देखें जम्मू कश्मीर, ये पूरा जम्मू कश्मीर है, ये एरिया पीओके का अभी आपको नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह, और इनका जो राजवंश था वो था डोगरा राजवंश। राजा हरि सिंह भी माउंटबेटन योजना के तहत, या जो बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, वहां पर जो तीन विकल्प मिले थे उसमें से तीसरा विकल्प को ये अपनाना चाह रहे थे कि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना करके रखेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो था वो शुरुआत से ही जम्मू कश्मीर पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। तो हुआ ये कि 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी अफसरों के नेतृत्व में कबायलियों ने पाकिस्तान पर, सॉरी जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, वहां पर आक्रमण किया। अब राजा हरि सिंह के पास अपने राज्य की रक्षा का कोई विकल्प नहीं था। वैसे स्थिति में उन्होंने भारत सरकार से मदद की मांग की थी। शेख अब्दुल्ला जो थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के थे, वहां जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्चस्व था उस समय में, और शेख अब्दुल्ला उसके नेता थे जो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे। भारत के जो तत्कालीन राजनीतिज्ञ थे वो ये चाहते थे कि कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता ये तय करे कि उनको भारत में रहना है या फिर पाकिस्तान में रहना है, ये राजनीतिज्ञों का सोच था। लेकिन इसी बीच, जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तानी कबायलियों ने 26 अक्टूबर
1947 को इस क्षेत्र पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया या घुसपैठ कर दिया। नतीजा यह हुआ कि हरि सिंह अपने राज्य की रक्षा में असमर्थ थे। तब उन्होंने भारत सरकार से मदद की मांग की। भारत सरकार ने कंडीशनल तौर पर सशर्त उनसे ये कहा कि हम आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनेक्सेशन पर, अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। राजा हरि सिंह के पास कोई विकल्प नहीं था। राजा हरि सिंह ने यहां पर अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। इस हस्ताक्षर के बाद जम्मू कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। लेकिन यहां पर स्थिति गड़बड़ थी, क्योंकि पाकिस्तानी घुसपैठिए घुसे हुए थे। अब भारतीय सेना ने, जब अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर हो गया, तो भारतीय सेना ने घुसपैठ किया और दोनों ओर से, मतलब घुसपैठियों और भारतीय सेना के बीच में लड़ाई की शुरुआत हुई। स्थिति इस तरीके से बन रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का सीन बनने लगा था। ऐसी स्थिति में माउंटबेटन के अपील पर इस मामले को सुलझाने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में मामला को ले जाने का काम किया गया, जहां सुरक्षा परिषद से, यूनाइटेड नेशन के यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात की गुहार लगाई गई कि जिस एरिया तक ये घुसपैठिए पहुंच चुके हैं उनको वहां से बाहर निकलने का निर्देश दिया गया। ठीक है, लेकिन यूएनएससी ने या सुरक्षा परिषद ने भारत सरकार के इस गुहार को, इस मांग को अस्वीकार कर दिया और इसको कश्मीर का मुद्दा न बना करके दो देशों के बीच का मुद्दा बना दिया। ठीक है, ऐसी स्थिति में अल्टीमेटली फिर 31 अक्टूबर 1948 को युद्ध विराम की घोषणा हो गई। नतीजा यह हुआ कि जहां तक ये घुसपैठिए, जो हमें ब्लू लाइंस आपको दिखाए हुए हैं, ये पीओके का एरिया, इधर से भारतीय सेना गई थी। नतीजा हुआ, जब ये युद्ध विराम की स्थिति हो गई, तो जहां पर सेना जैसे थी वैसे ही स्थिर हो गई और ये स्थिति तथाकथित तौर पर आज भी ऐसे ही बना हुआ है। भारत जो है वो अधिमिलन पत्र पर जो हस्ताक्षर किए गए उस निर्णय को अंतिम और अपरिवर्तित मानता है। मतलब भारत इस क्षेत्र को अपना अभिन्न अंग मानता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो इस दावे को, जो भारत का दावा है, उसको अस्वीकार करता है। नतीजा आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर का ये जो एरिया है ये आज भी उनके कब्जे में है और यहाँ अनेक प्रकार का जो आतंकवादी घटनाओं का गढ़ है वो होता रहता है। तो खैर, ये प्रॉब्लम यहाँ पर बना हुआ है आज के तारीख में भी। ये और बात है कि 31 अक्टूबर 1948 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी। तो खैर, जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ राजा हरि सिंह के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर के बाद, और ये काम उन्होंने तब किया जब 26 अक्टूबर 1947 को घुसपैठियों ने उनके राज्य पर हमला किया, आक्रमण किया, घुसपैठ किया। शेख अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, वो भारत में प्रवेश चाहते, मतलब भारत में विलय चाहते थे। नतीजा जब अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर हुआ तो शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर रियासत का प्रमुख मान लिया गया और उनको ये अधिकार दिया गया कि आप वहां पर राजनीतिक तौर पर सत्ता संभालने का काम करें। तो ये जम्मू कश्मीर का। अब आते हैं हम लोग यहाँ हैदराबाद। मैप में मैंने शो कर रखा है, आप एक स्क्रीनशॉट निश्चित तौर पर ले लीजिएगा ताकि ये सब नाम आपके जहन में रहे, ये एरिया आप शो कर सके। हैदराबाद, भारत के सभी देसी रियासतों में हैदराबाद रियासत जो थी ये सबसे बड़ी रियासत थी। और हैदराबाद को भी आप देखें तो चारों ओर से हैदराबाद भी भारतीय भूभाग से ही घिरा हुआ है। इसका भी पाकिस्तान से किसी प्रकार का कोई कनेक्शन, कोई संपर्क, संबंध सीधे तौर पर नजर नहीं आता है। यहां पर जो निजाम थे उनका नाम था उस्मान अली, अगर पूरा नाम बोले तो आसफ जा सेवन थे ये, निजामुल मुल्क आसफ जा सेवन, ये निजाम थे जिनका नाम उस्मान अली था। ठीक है, उस्मान अली जो थे ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि नवंबर 1947 में भारत सरकार के साथ इनकी यथा स्थिति, मतलब जैसे स्थिति है,
एक संधि हुई, यथा स्थिति संधि पर भारत सरकार और निजाम उस्मान अली ने हस्ताक्षर किया। दरअसल भारत सरकार को इस बात की उम्मीद थी कि निजाम जो है, उस्मान अली जो है, ये एक अपने रियासत में प्रतिनिधि मुलक सरकार बनाएंगे, एक डेलीगेशन बनेगा और फिर उनके साथ वार्तालाप के द्वारा ये काम आसान हो जाएगा कि ये लोग भारत में विलय के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इसी बीच वहां पर भी जन आंदोलन की शुरुआत हो गई और जन आंदोलन के जो नेता थे उनका नाम था स्वामी रामानंद तीर्थ। मैंने यहां पर उनका नाम भी मेंशन कर रखा है। तो यहां पर भी जन आंदोलन शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार ने यहां पर सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी, ठीक है। और सैन्य कार्रवाई की जब शुरुआत की तो 3 दिनों के बाद ही जो निजाम थे उन्होंने समर्पण कर दिया और फिर अल्टीमेटली नवंबर 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय का काम पूरा हो गया। तो हैदराबाद का भी भारत में विलय हो गया, ठीक है। हम लोग यहां ये पा रहे हैं कि इन दो रियासतों जूनागढ़ और हैदराबाद, यहां पर इनके विलय में जन आंदोलनों की जो भूमिका थी सो अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। तो जैसे ही हैदराबाद का विलय हुआ, भारत में देसी रियासतों के विलय का यह पहला चरण समाप्त हुआ जिसमें कि जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय किया गया, उनको एकीकृत किया गया। और इस कार्य में सरदार पटेल की जो भूमिका थी, जिनके नेतृत्व में मैंने बताया था कि जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी, उस अंतरिम सरकार अंतर्गत ही 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग या स्टेट विभाग बनाया गया था, स्टेट डिपार्टमेंट बनाया गया था, जिसके वो प्रमुख थे और उनके सहायक के तौर पे थे, सहायक सचिव के तौर पे केवी कृष्ण मेनन। इन लोगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तो खैर, पहले चरण में देसी रियासतों का इस तरीके से एकीकरण हुआ, यहां पर जनमत संग्रह के द्वारा, यहां अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा और फिर यहां पर सैन्य कार्रवाई के द्वारा, ठीक है। यहां पर एक बात हम बताना भूल गए आप लोगों को, जो कि हम लिखे भी हैं, यहां जो निजाम था उस्मान अली, इसने एक इतिहाद उल मुसलमिन नामक एक आतंकवादी संगठन बना रखा था और इस आतंकवादी संगठन के माध्यम से उस क्षेत्र में या हैदराबाद में अराजकता की स्थिति फैला रखी थी। और इसी बीच स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में वहां पर जन आंदोलन हुआ और फिर 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार के द्वारा सैन्य कार्रवाई की गई। 3 दिनों के बाद ही निजाम ने समर्पण किया और अल्टीमेटली नवंबर 1948 में हैदराबाद का विलय किया गया, जिसके साथ ही देसी रियासतों के विलय का पहला चरण पूरा हुआ। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़े उसके पहले एक नोटिस आपको देनी है। बहुत सारे लोग पीडीएफ की मांग करते हैं, ठीक है। हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, पीए और इकोनॉमी, ठीक है। इसमें पीए से जुड़ा हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो अब तक अपलोड नहीं किए हैं, ठीक है, वक्त भी नहीं मिल पाता है। लेकिन जो लोग पीडीएफ का डिमांड कर रहे हैं उनके लिए मेरी ओर से यह है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो एक कीमत आपको पे करना होगा। हम वो 4 सब्जेक्ट का जो मैंने गेस में बताया था जेपीएससी के दृष्टिकोण से, वो हम आपको 60-70 क्वेश्चन का जो ओवरऑल एक गेस है मेरा, जो पेपर हम पढ़ाते हैं, उसका हम पीडीएफ आपको अवेलेबल करा सकते हैं 2 फेज में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का कुछ टॉपिक जो है झारखंड वगैरह का, उसको थोड़ा अपडेट करना बाकी है, तो आप उसको ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ये मेरा मोबाइल नंबर है 7992200656, पहले भी हमें नंबर दे रखे हैं आप लोगों को 7992200656। इन 4 सब्जेक्ट का जो गेस क्वेश्चन है इसके लिए आपको 3100 रुपया पे करने होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इस नंबर पे आप हमको
मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, अपना रिक्वायरमेंट बताइएगा तो हम आपको फिर उसका पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम इसको हटा दे रहे हैं। अब देसी रियासतों का जो विलय है इसका दूसरा चरण शुरू होता है, और ये दूसरा चरण जो था देसी रियासतों के विलय का, ये थोड़ा और कठिन था। ठीक है, ये दूसरे चरण के अंतर्गत जो एकीकरण की प्रक्रिया थी ये दिसंबर 1947 से शुरू होता है, और यहां पर भी सरदार पटेल ने बड़ा ही सक्रिय भूमिका निभाई, और एक वर्ष के अंदर ही देसी रियासतों के एकीकरण का दूसरा फेज भी उन्होंने पूरा कर लिया। इसके तहत क्या किया गया कि जो छोटी रियासतें थी, जो छोटी छोटी देसी रियासतें थी, उन देसी रियासतों को या तो पड़ोसी राज्य के साथ विलय कर दिया गया, या फिर उन छोटी रियासतों को एकीकृत करके और उनको केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट करने का काम किया गया। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए उड़ीसा जो रियासत थी, उड़ीसा रियासत के अंतर्गत 39 रियासतें थी जिनको की एकीकृत करके उड़ीसा प्रांत में शामिल कर दिया गया। तो उड़ीसा रियासत की 39 रियासतों को उड़ीसा प्रांत में शामिल किया गया। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की जो रियासतें थी उनको मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया, गुजरात की जो रियासतें थी उनको बंबई प्रांत में शामिल किया गया, और 61 अन्य देसी रियासतों को एकीकृत करके उनको केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट करने का काम किया गया। हम फिर से दोहरा दें, थोड़ा तेज बोलने का आदत है। तो दूसरे चरण का जो एकीकरण का प्रक्रिया है यह दिसंबर 1947 में शुरू हुआ। सरदार पटेल ने यहां भी बहुत एक्टिवली कार्य किया, और एक वर्ष के अंदर ही देसी रियासतों के एकीकरण का दूसरा फेज पूरा किया। इस फेज में उन्होंने क्या किया कि जो छोटी रियासतें थी उनको पड़ोसी राज्य में या तो शामिल कर दिया गया, या फिर उनको एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके, मिला करके और उनको केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। जिसमें हम उदाहरण बता रहे थे कि उड़ीसा की 39 रियासतों को मिला दिया गया और उड़ीसा प्रांत में उनको शामिल कर दिया गया। गुजरात की जो रियासतें थी उनको बंबई प्रांत में शामिल कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की जो रियासतें थी उनको मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया, और 61 देसी रियासतों को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जो बड़ी रियासतें थी, जो बड़ी रियासतें थी उनको 5 समूहों में बांटा गया। जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उनको 5 समूहों में बांटा गया। इन 5 समूहों में मध्य प्रांत शामिल था, राजस्थान शामिल था, पटियाला शामिल था, इसके अलावा पूर्वी पंजाब राज्य संघ जिसको पेप्सू के नाम से हम लोग जानते हैं वो शामिल था, और जो पांचवा था वो था सौराष्ट्र, ट्रावणकोर और कोचीन वाला क्षेत्र। ठीक है, तो मध्य प्रांत, राजस्थान, पटियाला, पूर्वी पंजाब संघ और सौराष्ट्र, ट्रावणकोर, कोचीन, ये 5 समूह बनाए गए। जबकि जो बड़ी रियासतें थी उनको एज इट इज रखा गया, जैसे कि मैसूर, जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि जम्मू कश्मीर, इनको एज इट इज रहने देने का काम किया गया। तो इस तरीके से सरदार पटेल ने दूसरे चरण के एकीकरण को पूरा किया। लेकिन दूसरा चरण का एकीकरण, या यूं कहें कि भारत का एकीकरण, अभी भी पूरा नहीं हुआ था। ऐसा इस कारण से क्योंकि भारत के 2 और क्षेत्र थे, एक पुद्दुचेरी या उस समय का पांडिचेरी, आज का पुद्दुचेरी, पांडिचेरी, और दूसरा था गोवा। आप सब जानते हैं कि जो पुद्दुचेरी था वो फ्रांसिसियों के अधीन था, और फ्रांसिसियों के अधीन पांडिचेरी के अंतर्गत माहे, करिकाल, यनम और चंद्रनगर, ये सब जो क्षेत्र थे यहां पर पांडिचेरी का अधिकार था। उनके साथ एक लंबी संधि वार्ता चली फ्रांस के सरकार के साथ, और अंततोगत्वा नवंबर 1954 में फ्रांस के सरकार ने या वहां के राजा ने एक संधि किया, और वो जो क्षेत्र था पांडिचेरी, माहे, करिकाल, यनम, चंद्रनगर, ये भारत को लौटा दिया। 1962 तक ये जो क्षेत्र था पांडिचेरी के अंतर्गत, ये अधिग्रहित क्षेत्र के अंतर्गत शासित होता रहा, लेकिन फिर अंततोगत्वा पांडिचेरी को भारत के संविधान में 14वां संशोधन करके और 1962 में इसको
भारतीय संघ में शामिल किया गया या इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस तरीके से फ्रांसीसियों से हमारा डील हुआ 1954 में। अब इसके बाद बच गया गोवा। आप सबको याद होगा गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में कब्जा किया था और अल्टीमेटली ये आजाद होगा 1961 में। मतलब कि गोवा पर पुर्तगालियों का 451 वर्षों का शासन रहा। खैर, गोवा से मतलब पुर्तगालियों से गोवा को आजाद करने के लिए, गोवा दमन दीव ये तीनों क्षेत्र पुर्तगालियों के अधीन थे, उससे आजाद करने के लिए पहले तो लंबे समय तक शांतिपूर्ण उपाय किए जाते रहे, लेकिन फिर अल्टीमेटली तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन, जिनका नाम हमने पहले भी लिया है, कृष्ण मेनन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, उनको कहा कि आप सैन्य बल का प्रयोग करें यहां पर, तभी जाकर के गोवा को आजाद किया जा सकता है। लिहाजा सैन्य हस्तक्षेप का निर्णय लिया गया और 17 दिसंबर 1961 को रात्रि में भारतीय सेना गोवा में प्रवेश करती है। गोवा के जो गवर्नर थे उन्होंने ज्यादा शोर शराबा नहीं मचाया क्योंकि उनको अपनी स्थिति का ज्ञान हो रखा था, उन्होंने समर्पण कर दिया। जिसके बाद ये काम उन्होंने 19 दिसंबर 1961 को किया और उसी दिन गोवा का भारत में विलय कर दिया गया। यहां पर ऑपरेशन विजय चलाया गया था जैसा कि मैंने आपको बताया, और ऑपरेशन विजय चलाने के पीछे के वी कृष्ण मेनन का जो सिफारिश था, जो उनका रिकमेंडेशन था पंडित नेहरू को, प्रधानमंत्री हमारे थे उस समय, इसके बाद ये काम किया गया और गोवा भी भारत में शामिल हो गया। गोवा के शामिल होते ही भारत के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। तो भारतीय रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की जो भूमिका थी वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। मैंने जो भी बात बताया बड़ा सोफिस्टिकेटेड में बताया, ऐसा नहीं था कि ये सब काम इतने आसानी से हो रहे थे, इसके पीछे छल बल ताकत सब कुछ था, कूटनीति थी, ये तमाम चीजें चल रहा था। खैर, उन चीजों को आपको अपने आंसर में नहीं लिखना है। तो सरदार पटेल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने देशी रियासतों की राष्ट्रीयता को ललकारा था, उनके सांस्कृतिक और आर्थिक समानता की बात की, यह भी कहा उन लोगों से कि आप देश की जनता की बात सुनिए, देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखिए और फिर देशी रियासत अपने रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का काम कीजिए। तो कुल मिलाकर के सरदार पटेल का भारत के एकीकरण और देशी रियासतों के संघ में विलय में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसी कारण से उन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है। तो ये देशी रियासतों का विलय से संबंधित जो टॉपिक था मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया। आप इस मैप को यूज कर लीजिएगा और कुछ नहीं तो कम से कम ये सब एरिया को दिखा दीजिएगा, और जो बातें मैंने क्रम से बताई है कि जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, फिर हैदराबाद और उसके बाद सेकेंड फेज का, इन बातों को आप लिख करके और फिर लास्ट में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को मुक्त कराइए और पुर्तगालियों से गोवा को, और एक छोटा सा कंक्लूजन देकर के सरदार पटेल की ओर से ये बात लिखते हुए अपनी अपने आंसर को पूरा करने का काम कीजिए। चलिए, मॉडर्न इंडिया से जुड़ा हुआ कुछ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो मैंने गेश में कहा है वो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो मिलते हैं आगे। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के आप नहीं देखेंगे तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। कई सारे विद्यार्थी हैं जो खास तौर पे इस मॉडर्न इंडिया के लिए, मुझे याद है अभिनव करके मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कहा था कि सर इसको भी बनाने का काम कीजिए, कुछ और टॉपिक भी उन्होंने बोला है, वक्त के साथ हम उस वीडियो को भी बना करके आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। चलिए, जल्द मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।